इसराइल जिस तरह से हमास के खिलाफ गाजा में सैन्य अभियान और तेज करने की फिराक में, उसको लेकर अब इसराइल घिरने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो साफ तौर पर इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो राफा इलाके में आक्रामक सैन्य अभियान करता है तो उसे किसी भी सूरत में अमेरिकी समर्थन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ एक माहौल ये भी बन गया है, ये पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है। दरअसल हमास ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है, उसके बाद भी इसराइल उस पर हमले जारी रखे हुए है। इसराइल के इस बर्ताव पर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि हमास द्वारा सीज फायर यानी युद्ध विराम को स्वीकार करने के बाद भी इजरायली शासन अपराध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इजराइल और उसके समर्थकों के लिए शर्म और अपमान की बात है। रायसी ने यह भी कहा कि समस्याओं से निपटने के लिए बातचीत जारी रखने के साथ साथ ईरान के पास रक्षा के लिए मिसाइलें होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हाल ही में इजरायली शासन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया था, जिससे संकेत मिलता है कि इस्लामिक गणराज्य किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने यह भी कहा कि ईरान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटा है और हमेशा अपना तार्किक रुख व्यक्त किया है। इस दौरान रायसी ने अमेरिका और यूरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बार बार अपने वादों से मुकर गए हैं। रायसी से जब ये पूछा गया कि क्या मिसाइलें ही देश की समस्याओं का समाधान है या फिर बातचीत या दोनों को मिलाकर समाधान निकलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि ईरान उन सभी देशों से गर्मजोशी से हाथ मिलाता है जो हमारे साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों ने बीते 45 वर्षों से हमेशा ईरान फोबिया को बढ़ावा दिया है। इसराइल के खिलाफ अमेरिकी और ईरानी प्रतिक्रियाओं ने कई तरह की शंकाओं को भी जन्म दिया है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने गाजा में जितनी भी आक्रामकता की है वो सब अमेरिका के समर्थन से ही हुआ है। और अचानक अमेरिका को गाजा के लोगों का दर्द महसूस होने लगा। दूसरी बात कि इसराइल हमास जंग में अमेरिका और ईरान आमने सामने भले ही नहीं थे, लेकिन इसराइल के जरिए अमेरिका तो हमास के जरिए ईरान अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग को लड़ रहे थे।